ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रहनोस। वेल, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहा डिज़र्ट। इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर पे रहे कुछ ही इन्ग्रीडियंट्स से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो एंड इफ्तार पार्टी में अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सी पोहा डिज़र्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं एक एम्प्टी बाउल में ले रही हूँ 1 कप पोहा। उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 कप वाटर। पोहे को हम अच्छे से धो के 2 मिनट भिगो के रखेंगे। नेक्स्ट मैं एक कढ़ाई पे ले रही हूँ 3 कप लिक्विड मिल्क। मैं यहाँ अमूल गोल्ड लिक्विड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का लिक्विड मिल्क यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1/2 कप शुगर। शुगर को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी को बढ़ा भी सकते हो। अब मैं मिल्क को 2 मिनट बॉईल कर लूँगी एंड साथ ही साथ स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 1/4 कप पाउडर मिल्क एंड उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिल्क को मैं लो फ्लेम पे 15 मिनट तक बॉईल कर लूँगी। जब तक मिल्क बॉईल हो रहा हो इसका हम एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यहाँ से मैं 1/4 कप मिल्क को निकाल लूँगी। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर एंड उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लावर को मिल्क के साथ मिक्स कर लिया है। हम इस मिक्सचर को मिल्क पे डाल देंगे एंड इसको हम एक स्पैचुला के हेल्प से लगातार चलाते रहेंगे ताकि मिल्क जो है वो नीचे से लगे ना। मिल्क को मैं बॉयल कर लूँगी जब तक ये थिक ना हो जाए। जब मिल्क थिक हो जाए तब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप रेड फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से चला लूँगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास की लिटिल बेल आइकन को प्रेस करके जो बिल्कुल फ्री है। एंड हमारी मिल्क की मिक्सचर जो है रेडी हो गई है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट मैं एक एम्प्टी बाउल पे ले रही हूँ पोहा। इसको मैंने पहले से स्ट्रेनर पे निकाल लिया था। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून टूटी फूटी। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप बनाना। इसको मैंने पहले से चॉप कर लिया था एंड पहले से जो मिल्क का मिक्सचर रेडी करके रखा था उसको मैं ऐड कर लूँगी एंड एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड इसको 1 आवर के लिए फ्रीजर पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। 1 आवर के बाद मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है एंड हमारी पोहा डिज़र्ट बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो देखा आपने कितनी झटपट सी बन जाती है ये रेसिपी। ज़रूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए। अब मैं कुछ ऊपर से टूटी फूटी एंड पिस्ते बादाम से स्प्रिंकल कर लूँगी। इससे ये दिखने में और भी खूबसूरत लगेगा एंड खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो ज़रूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।